श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों में नाबाद 112 रन की पारी खेली और टीम की जीत की नींव रखी। इसके बाद टीम इंडिया ने श्रीलंका को 91 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया और मैच के साथ साथ सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। मैच के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू लिया। इसमें राहुल द्रविड़ ने सूर्य कुमार यादव से पूछा कि आपने अपने बचपन में मुझे बैटिंग करते हुए तो नहीं देखा होगा। राहुल द्रविड़ की इस बात पर सूर्य कुमार यादव हंस पड़े और बोले, नहीं, आपको बहुत देखा है। दरअसल राहुल द्रविड़ ने उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखते हुए यह सवाल किया था। द्रविड़ ने बातचीत की शुरुआत इस सवाल से की कि उन्हें पूरा यकीन है कि आपने क्रिकेट की शुरुआत उनकी बैटिंग देखकर तो नहीं की होगी। इस पर सूर्य कुमार यादव ने कहा, ऐसा नहीं है, मैंने आपकी बैटिंग काफी देखी है। इस इंटरव्यू के दौरान राहुल द्रविड़ ने पूछा कि अगर आपसे आपके करियर की सबसे बेस्ट पारी को चुनने के लिए कहा जाए तो आप किन्हें चुनेंगे। इस पर सूर्य कुमार यादव ने कहा, मैं कठिन परिस्थितियों में बैटिंग का आनंद लेता हूँ। मेरे लिए किसी भी एक पारी को चुनना मुश्किल होगा। मुझे खुशी तब होती है जब मैं रन बनाऊं और वो रन टीम के काम आए। मैंने पिछले साल जैसा बल्लेबाजी की उसका खूब आनंद लिया और इस साल भी मैं वही कर रहा हूँ। बल्लेबाजी करते वक्त मैं उसे एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद को ज्यादा से ज्यादा अपने खेल के जरिए जाहिर करने का कोशिश करता हूँ। इस पर राहुल द्रविड़ ने पूछा, आप तय कैसे करते हैं कि कौन सा शॉट खेलना है। राहुल द्रविड़ के इस सवाल पर मिस्टर 360 के नाम से मशहूर हो चुके सूर्य कुमार यादव ने बताया कि इस फॉर्मेट में सभी के पास पहले से तय शॉट होते हैं, लेकिन गेंदबाज और फील्ड के हिसाब से भी शॉट खेलना जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि वह अक्सर गेंदबाज और फील्ड को देखकर अपने शॉट का सिलेक्शन करते हैं। इस पर राहुल द्रविड़ ने पूछा, परिवार में क्या बातचीत होती है, अपने करियर में आपकी फैमिली का क्या रोल है और क्या आपकी पत्नी आपके साथ हमेशा ट्रेवल करती हैं? सवाल के जवाब में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उनके परिवार से कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं रहा है। उन्होंने कहा, उनके पिताजी इंजीनियर हैं। जब भी वह घर जाते हैं या घर के लोगों से मिलना होता है तो सभी लोग उनके खेल और उनकी बल्लेबाजी पर बात करते हैं। इस पर बात होती है कि आगे से और कैसे बेहतर किया जा सकता है। मेरी फिटनेस का ख्याल मेरी पत्नी ने हमेशा से रखा है, वह मेरी डाइट का ख्याल भी प्रॉपर रखती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आजकल न्यूज़। नमस्कार।